हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, जो हमारा मिशन स्टार्ट हुआ एनटीपीसी के लिए, वो इसका पार्ट थर्ड वीडियो है, जहाँ पे हम डेली 30 प्रश्नों को कवर करते हैं। और यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न कवर करते हैं, तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से यहाँ पे प्रश्न कवर किए जाते हैं। साथ में स्ट्रेटेजी के प्लस करेंट अफेयर्स होता है। और ये पूरा वीडियो हमारा हिंदी में होता है। और अगर इसकी आप पीडीएफ फाइल चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके लिए एक और महत्वपूर्ण बात, हमारा टेलीग्राम पे जो चैनल है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का, वो सिर्फ ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के नाम से है। कुछ लोगों ने यहाँ पे फर्जी चैनल बना रखा है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट 2.0 के नाम से, लेकिन वो हमारा चैनल नहीं है। जो हमारा चैनल है वो है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, और एकमात्र ऐसा चैनल है जो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट से यहाँ पे चलता है टेलीग्राम पे। तो आप इसे ही सिर्फ ज्वाइन करें, यहाँ पे आप हमारे चैनल का लोगो देख सकते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं अपना महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, इनमें से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो थाईलैंड की जो मुद्रा है वो है बात, याद रखिए। और क्यात की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्यात जो है म्यांमार की मुद्रा है, जलोटी जो है ये पोलैंड की मुद्रा है, और जो रिंगिट है ये है मलेशिया की मुद्रा। थाईलैंड के बारे में बात करें तो थाईलैंड की जो राजधानी है वो है बैंकॉक। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। और थाईलैंड के जो अभी प्रेसिडेंट है उनका, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है प्रायुत चैन ओ चा। यहाँ पर उनकी तस्वीर देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे थाईलैंड को मैप में। यहाँ पर देखिए थाईलैंड की लोकेशन, ये है थाईलैंड। और यह कौन कौन से देशों के साथ अपनी सीमा बनाती है? तो यहाँ पर इसकी सीमा लगती है म्यांमार के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंबोडिया है, और यहाँ पे लाओस जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, और नीचे यहाँ पे मलेशिया है, इसके साथ भी बाउंड्री लगती है। किसकी? थाईलैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। आगे देखते हैं, और इस सारे जो है आसियान के मेंबर्स हैं। आपको पता होगा आसियान कंट्री जो है 10 देश हैं टोटल। तो ये सारे जो है जहाँ पे जिनकी आप नाप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे जो है आसियान के मेंबर्स हैं ये। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हर वर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस हर साल मनाया जाता है 4 फरवरी को। और ऑप्शन में आप देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 जनवरी, 4 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस, 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 1 मई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। इन सबको याद रखिए। विश्व कैंसर दिवस की बात हो रही है, तो इस बार की इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 2019 का अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे 2 लोगों को यह पुरस्कार मिला है, एक तो है ग्रेटा थनबर्ग और दूसरी है डिवीना मोलायम। इसका सही उत्तर हो गया फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। और ग्रेटा थनबर्ग जो है ये स्वीडन से बिलोंग करती हैं, स्वीडन जो देश है यूरोप का। और ये जो डिवीना मोलायम है एक कैमरून से बिलोंग करती हैं, इनका भी नाम याद रखिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम है एक लेसीप्रिया कुंगजुम का। लेसीप्रिया कुंगजुम जो है ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं भारत की, और इन्हें भारत की ग्रेटा कहा जाता है, यानी भारत की ग्रेटा थनबर्ग इनका नाम है लेसीप्रिया कुंगजुम का, यहाँ पे याद रखिए। यहाँ देखिए कैलाश सत्यार्थी जी हैं, कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनके साथ ये पुरस्कार मिला था इन्हें? तो मलाला यूसुफ जई हैं पाकिस्तान की, और जो कैलाश सत्यार्थी हैं दोनों को संयुक्त रूप से 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। इन्हीं के द्वारा ये पुरस्कार दिया जा रहा है। कौन सा पुरस्कार? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। आगे देखते हैं, यहाँ पे अगर आप इस तरह की डेली क्लासेज चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करें वीडियो आपको पसंद आता है, और वीडियो को जरूर शेयर करिए। जितने भी स्टडी ग्रुप में आप ज्वाइन हैं वहाँ पे हमारे वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा जो लोग हैं इस वीडियो को देख पाएं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश का आपका राज्यपाल पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो इनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन, याद रखिए। ऑप्शन में आप देख सकते हैं अनुसुईया यूके जो है छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। भगत सिंह कोश्यारी काफ़ी न्यूज में चल रहे थे, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तमिलीसाई सौंदर्य राजन ये हैं तेलंगाना के राज्यपाल। यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं विश्वभूषण हरिचंदन की। आंध्र प्रदेश के बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे, फैक्ट्स काफ़ी यहाँ पे देख लेते हैं आंध्र प्रदेश को। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। इसके राजधानी अभी हैदराबाद है, लेकिन बाद में अमरावती हो जाएगी। मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ का नृत्य जो फेमस है उसका नाम है कुचिपुड़ी। मंदिर जो यहाँ पे वेंकटेश्वर जी का, वो है तिरुपति में। उच्च न्यायालय इसका है अमरावती में, और जो अमरावती में उच्च न्यायालय बना है आंध्र प्रदेश का, वो भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। इसके राजकीय पक्ष ब्लैक बर्ग, यहाँ सीमा बनाती है ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक और पुदुचेरी के साथ। नदियाँ यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो है पेन्नार, तुंगभद्रा, कृष्णा और गोदावरी। बांध जो यहाँ पे हैं श्रीशैलम, नागार्जुन सागर बांध, पोलावरम बांध। यहाँ पे 2 गुफाएं हैं, एक का नाम है बोर्रा और दूसरा का नाम है बेलम, और दोनों विशाखापट्टनम में है। बंदरगाह एक फेमस, वो भी विशाखापट्टनम ही है। एंड भारत के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, हमारे देश के 13वें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, वो आंध्र प्रदेश से हैं। पिंगली वेंकैया, जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था,
वो भी आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से थे। सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है वो श्रीहरिकोटा में है, नेलौर जिले में आंध्र प्रदेश के। देश की पहली गेमिंग यूनिवर्सिटी बनेगी विशाखापट्टनम में यूनेस्को की मदद से। देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगा तिरुपति में। देश और अब हाल ही में दक्षिण भारत का सबसे पुराना संस्कृत का शिलालेख एक मिला था, वो भी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में मिला है। यहाँ पे देखते हैं, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तटीय राज्य है जिसकी सीमा है 974 किलोमीटर। और भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य है गुजरात। अरायकोंडा पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 1680 मीटर। पूर्वी घाट की यहाँ पे बात हो रही है। दक्षिण तटीय रेलवे जोन देश का 18वां रेलवे जोन बना है, आपको पता होगा। दक्षिण तटीय रेलवे जोन जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है वो भारत का 18वां रेलवे जोन बन गया है। और पुदुचेरी का एक जिला है यनम, वो आंध्र प्रदेश में ही है। यहाँ पे दो राष्ट्रीय उद्यान है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। लोकसभा सीट है यहाँ पे 25, विधानसभा सीट है 175, राज्यसभा सीट है 11 और विधान परिषद सीट है टोटल 58। यहाँ पे आंध्र प्रदेश के मैप को देखिए, आगे देखते हैं भारत के मैप में आंध्र प्रदेश को। तो आपको यहाँ पे मैप देखना है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ये आंध्र प्रदेश, इसकी सीमा लगती है ओडिशा, यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे तेलंगाना, यहाँ पे कर्नाटक और यहाँ पे तमिलनाडु। तो पांच राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और जो पुदुचेरी का जिला है यनम, वो यहाँ पर है। पुदुचेरी के टोटल चार जिले याद रखिए, एक तो यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, दो इसके जिले, एक तो पुडुचेरी और कराईकल, ये दोनों तमिलनाडु में यहाँ पर, और एक इसका जिला है माहे, वो है केरला में। और माहे जो है भारत का सबसे छोटा जिला है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में मॉरिशस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इनका नाम है पृथ्वीराज सिंह रूपन, जो मॉरिशस के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। और मॉरिशस के अभी प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगनाथ, हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं यहाँ के। हसन रूहानी जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम जरूर याद रखिए। जायर बोल्सोनारो ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, और जो 2020 का जो अभी हमारा गणतंत्र दिवस आएगा उस पर मुख्य अतिथि हैं जायर बोल्सोनारो जी, तो इनका नाम आप जरूर याद रखिए। और मॉरिशस की जो राजधानी है वो है पोर्ट लुइस। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान एवं निकोबार में, और अंडमान एवं निकोबार में अंडमान आइलैंड पे है याद रखिए। और अंडमान एंड निकोबार के जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर, इसे भी जरूर याद रखिए। गुजरात के बारे में बात करते हैं, गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र में है चंदोली, टडोवा, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु में है मधुमलाई, मुकुर्ती, ग्यूंडी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सारे राष्ट्रीय उद्यान आप जरूर याद रखिए। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न है इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपसे पूछा जा रहा है गंगा नदी के किनारे कौन से बसे हुए शहर हैं, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, पटना, कानपुर, हरिद्वार। तो ये जो तीनों जो है शहर, ये सभी जो है गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो इनका सही उत्तर क्या हो गया, फोर्थ। गंगा नदी की बात किया तो इसकी लंबाई कितनी है, 25-25 किलोमीटर याद रखिए इसकी लंबाई। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है, यहाँ पे उद्गम स्थल कहाँ पे इसका गंगा नदी का, तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी जो है वहीं से निकलती है, गंगोत्री से। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपेक का बात हो रहा है, ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया में याद रखिए, लेकिन ऑस्ट्रिया जो है ओपेक का सदस्य नहीं है, इसे भी ध्यान देना है आपको। और ऑस्ट्रिया के जो वियना इसकी राजधानी है वहीं पे ओपेक का मुख्यालय है। ओपेक का अगर पूरा नाम जाने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और ये जो संस्थान है क्या करती है, तो ये पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का एक अस्थायी अंतरी सरकारी जो संगठन है ये ओपेक। आगे हम जानेंगे ओपेक के बारे में डिटेल में, यहाँ देखिए ओपेक का लोगो है ये, ओपो का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका स्थापना हुआ था 14 सितंबर 1960 में, और स्थापना कहाँ पर हुआ था इसका, इराक की जो राजधानी बगदाद में वहाँ पर हुआ था। तब इसका मुख्यालय था स्विट्जरलैंड के जिनेवा में याद रखिए, लेकिन इसका मुख्यालय 1965 में शिफ्ट किया गया कहाँ पे, वियना ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया जो है एक यूरोपियन कंट्री है याद रखिए, और आपको ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है एक अलग कॉन्टिनेंट है जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नाम का एक देश है, लेकिन जो ऑस्ट्रिया है ये यूरोपियन देश है याद रखिए। यहाँ के महासचिव है मोहम्मद बारकिंदो, इनका नाम देखिए मोहम्मद बारकिंदो, और टोटल सदस्य यहाँ पे 13। आगे हम मैप पे देखेंगे, पहले इसके 15 सदस्य थे, लेकिन 2019 में कतर ने इसकी सदस्यता छोड़ दी, और अभी 2020 में इक्वाडोर ने इसकी सदस्यता छोड़ दी। तो इन दोनों को आप यहाँ से हटा दीजिए, बाकी सबको यहाँ पे देख सकते हैं जो इनके सदस्य हैं, कुवैत, ईरान, इराक, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला जो अभी इसके वर्तमान में सदस्य हैं। पहले 15 थे, एक बार और सुनिए, कतर
पहले हट गया यहाँ से 2019 में, और इक्वाडोर 2020 में यहाँ से हट गया है, तो अभी 13 सिर बच गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा राज्य भारत का जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि ओडिशा, गुजरात और राजस्थान इन सभी से कर्क रेखा गुजरती है। आगे हम मैप में देखेंगे, यहाँ पे देखिए मैप, और यहाँ टोटल 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो कौन कौन से राज्य हैं वो, यहाँ पे देखिए गुजरात कर्क रेखा गुजर रही है, देख सकते हैं बीचों बीच कर्क रेखा जा रही है, यहाँ पे राजस्थान इससे भी कर्क रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, वेस्ट बंगाल से गुजरती है, और यहाँ पे उत्तर पूर्वी राज्य में 2 राज्य हैं, एक तो है त्रिपुरा और दूसरा है मिजोरम, तो इन सभी राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, सॉरी यहाँ पे सही उत्तर इसका उड़ीसा होगा, मैंने गलती से मध्य प्रदेश टिक कर दिया, उड़ीसा इसका सही उत्तर है, क्योंकि उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, मध्य प्रदेश के तो बीचों बीच जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं उड़ीसा से नहीं जाती है, उड़ीसा यहाँ पे नीचे हो जाता है। आगे देखते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इनका नाम है देविका रानी, याद रखिए, और देविका रानी को ये पुरस्कार कब मिला था, 1969 में पुरस्कार मिला था, तब इसकी शुरुआत भी की गई थी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की। पृथ्वीराज कपूर को मिला था 1971 में, याद रखिए 1971। लता मंगेशकर को यह पुरस्कार मिला है 1989 में, 1989 में। और अगर सत्यजीत रे की बात की जाए तो सत्यजीत रे को यह पुरस्कार मिला है कब, 1984 में। और जो 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो मिला अमिताभ बच्चन को, इनका नाम जरूर याद रखिए। और दादा साहेब फाल्के जो है इनका जो असली नाम था वो था ढूंढीराज गोविंद फाल्के, और इन्हें भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह भी माना जाता है, दादा साहेब फाल्के की बात हो रही है यहाँ पे। अगला प्रश्न, इनमें से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहली महिला कौन है? तो पहली महिला आपसे पूछा जा रहा है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो इनका नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला वित्त मंत्री और प्रथम महिला रक्षा मंत्री भी थी, इनका नाम जरूर याद रखिए इंदिरा गांधी का। और इन्हें भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था 1971 में। और दूसरी महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो उनका नाम है मदर टेरेसा, जरूर याद रखिए इनका नाम, मदर टेरेसा को यह पुरस्कार मिला था 1980 में। और 2019 का भारत रत्न किन किन को मिला है? तो 2019 में मिला है प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका को और नानाजी देशमुख को, तो इन तीनों को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? तो यह 1954 से, 1954। अगला प्रश्न, राज्यसभा से सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड किनके नाम पे है? तो पहले तो मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, राज्यसभा से अभी तक भारत में टोटल 4 प्रधानमंत्री बने, बाकी जो प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा से सदस्य रहकर प्रधानमंत्री बने, और वो 4 प्रधानमंत्री का नाम यहाँ पे याद रखिए, इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा और IK गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन आपसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि राज्यसभा से सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड किनका है? तो यह डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये 2004 से लेकर लगभग 2014 तक प्रधानमंत्री रहे, और ये भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे, याद रखिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा से पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो वो बनी थी इंदिरा गांधी, इनका नाम जरूर याद रखिए, इंदिरा गांधी पहली ऐसी व्यक्ति थे जो राज्यसभा से सांसद बनी थी, सॉरी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनी थी। दूसरे थे HD देवगौड़ा, और HD देवगौड़ा जो थे भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे। तीसरे जो थे वो बने थे IK गुजराल, और IK गुजराल जो थे वो 12वें भारत के प्रधानमंत्री थे। 13वें थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और अभी 14वें हमारे प्रधानमंत्री कौन है, वो है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है अभी वाराणसी, याद रखिए वाराणसी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा राज्य विधान परिषद में नहीं है? याद रखिए ऐसा कौन सा राज्य है जिसके पास विधान परिषद नहीं है? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो बाकी के राज्य हैं बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, इन सभी के पास विधान परिषद है, और अभी टोटल 6 ऐसे राज्य हैं जो विधान परिषद वाले हैं, पहले 7 थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का जब से 2 यूनियन टेरिटरी में बंटवारा कर दिया गया तब उसका विधान परिषद वहाँ से हट गया है। तो आगे देखते हैं हम यहाँ पे, ये देख लीजिए विधान परिषद वाले 6 राज्य कौन कौन से हैं। तो मैं इसके लिए आपको कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, आपको एक छोटा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कैसे याद करना है इसको। ये देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश 2 राज्य यहाँ पर हो गए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो गए 4 हो गए, और कर्नाटक और महाराष्ट्र टोटल 6 हो गए। इनको आपको याद कैसे रखना है, तो मैप की मदद से इसको याद रखेंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश देख सकते हैं दोनों अगल बगल में, यहाँ से दोनों को याद कर लीजिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यहाँ पे देख लीजिए दोनों हैं, इन दोनों को यहाँ से याद कर लीजिए। और महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है यहाँ पे दोनों राज्यों को देख सकते हैं, तो इन 6 राज्यों को आपको ऐसे याद रखना है। जम्मू कश्मीर अब पता आपको, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बन गया, तो इसका विधान परिषद अब नहीं है। और विधान परिषद जो है राज्य का उच्च सदन होता है, जैसे भारत का उच्च सदन राज्यसभा है, वैसे ही विधान परिषद जो है राज्य में उच्च सदन होता है।
इसका कार्यकाल होता है यहाँ के सदस्यों का 6 साल, और आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष चाहिए आपको पता है, लेकिन वैसे ही विधान परिषद में ही, विधान परिषद का आपको सदस्य बनना है तो आपको 30 वर्ष कम से कम होना चाहिए। अगला प्रश्न, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है, याद रखिए, और जो उपाध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। और लोकसभा के भी अध्यक्ष कौन है हमारे, तो है ओम बिरला, और ओम बिरला जो है एक कोटा से लोकसभा सांसद है, और कोटा जो है चंबल नदी के किनारे है, इसे भी याद रखिए। और लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा के भी सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो उनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 2005 में, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पे। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब ये अधिकार पास हुआ था, बना था, तब हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तब भारत के राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, याद रखिए। और APJ अब्दुल कलाम जो थे ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, एंड APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार भारत में केंद्र में कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो ये बनी थी 1977 में, और तब यहाँ प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वो बने थे मोरारजी देसाई, और ये भारत के 4थे प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात, मोरारजी देसाई को भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, निशाने पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिन्हें भारत का और पाकिस्तान का दोनों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त है, जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम है राजा राम मोहन राय, और इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी? तो ये की थी 1828 में, जरूर याद रखिए राजा राम मोहन राय का नाम। और 1829 में इन्होंने क्या किया था? तो 1829 में राजा राम मोहन राय और जो विलियम बेंटिक जी थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन दोनों ने मिलकर सती प्रथा को बंद किया था। आगे हम जान लेते हैं जो अन्य नाम है, यहाँ पर देखिए ज्योतिबा फूले का नाम है, तो इन्होंने किया था सत्य शोधक समाज का स्थापना, याद रखिए ज्योतिबा फूले, सत्य शोधक समाज। दयानंद सरस्वती का नाम आप देख सकते हैं, जिन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था। आत्मारंग पांडुरंग, जिन्होंने प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। और आपको ब्रह्म समाज और एक था आदि ब्रह्म समाज, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ब्रह्म समाज का संस्थापक माना जाता है राजा राम मोहन राय को, और जो आदि ब्रह्म समाज था उसके संस्थापक इन्हें माना जाता है, तो वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। और राजा राम मोहन राय पुरस्कार की बात की जाए तो 2019 में राजा राम मोहन राय पुरस्कार किसे मिला है? तो मिला है गुलाब कोठारी को। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था 1930 से लेकर 1932 के बीच, तो आपसे पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने वाले कौन व्यक्ति हैं? तो इनका नाम है भीमराव अम्बेडकर, याद रखिए BR अम्बेडकर, और एक थे तेज बहादुर सप्रू। तो इन दोनों ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। और जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। और गोलमेज सम्मेलन का मतलब आप समझ सकते हैं राउंड टेबल, गोल का मतलब राउंड समझ सकते हैं, मेज का मतलब होता है टेबल, तो राउंड टेबल यहाँ पे सम्मेलन होता है, मतलब गोल सा टेबल होता है जहाँ पे जाके लोग जो डिसाइड करना होता है, जो भी फैसला लेते हैं, बातचीत होती है यहाँ पे। आगे देखते अगला प्रश्न, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो इनका नाम है JA हिक्की, जेम्स अगस्तस हिक्की, इनका नाम जरूर याद रखिए, यहाँ पे देखते हैं। और इस पेपर का नाम क्या था? हिक्की बंगाल गैजेट। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो किया गया था 1780 में, इसे भी याद रखिए। और महात्मा गांधी जी की बात किया तो महात्मा गांधी ने भी एक पेपर स्टार्ट किया था, उसका नाम था हरिजन न्यूज़पेपर, याद रखिए। और हरिजन न्यूज़पेपर कब स्टार्ट किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो 1933 में, इसे भी ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न हमारा इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ देख सकते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण दिवस दिए हुए हैं, और दूसरे तरफ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनके जन्मदिवस पे दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सुशासन दिवस हम मनाते हैं 25 दिसंबर को, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस हम मनाते हैं 12 जनवरी को, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिवस होता है। और राष्ट्रीय गणित दिवस हम मनाते हैं 22 दिसंबर को, इस दिन किसका जन्मदिवस होता है? ये होते हैं श्रीनिवास रामानुजन, जो कि काफ़ी महान मैथमेटिशियन थे भारत के। लेकिन राष्ट्रीय किसान दिवस की बात की जाए तो ये जो होता है लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिवस नहीं होता है, ये होता है चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिवस। और चौधरी चरण सिंह जी का जो जन्मदिवस है वो कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 23 दिसंबर को, जिसे हम राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिए। तो लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पे सही उत्तर नहीं है, यहाँ पे होंगे चौधरी चरण सिंह जी। अगला प्रश्न,
भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी वही थे जो कि सुचेता कृपलानी के पति थे। और सुचेता कृपलानी कौन है? तो सुचेता कृपलानी जो थी वो भारत की पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी थी। याद रखिए, भारत की पहली महिला चीफ मिनिस्टर का नाम क्या था? सुचेता कृपलानी। और जो ये थी, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी थी। आगे हम जानेंगे कांग्रेस के बारे में डिटेल में। यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। कांग्रेस का पूरा नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इसका स्थापना हुआ था 1885 में। संस्थापक कौन है? तो उनका नाम है ए ह्यूम, दादाभाई नरोजी, दीन सौ वाचा। प्रथम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो वो थे भूमेश चंद्र बैनर्जी, यानी WC बैनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, जो कि 1916 में बनी थी। लेकिन अगर बात की जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की, तो भारत की महिला अध्यक्ष कौन बनी थी कांग्रेस की? तो वो थी सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में बनी थी। वर्तमान में अभी अंतरिम अध्यक्ष कौन है कांग्रेस की? तो वो है सोनिया गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे एक तरफ देश का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसके राजधानी दिए हुए। तो मिस्र की राजधानी कायरो है, याद रखिए कायरा। और चिली की राजधानी वो है सेंटियागो। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, सही है तीनों। लेकिन जो कोलंबिया है इसकी राजधानी बोगोटा है, फ्रॉमफेन नहीं है। नोमफेन जो है ये किसकी राजधानी है? ये किसकी राजधानी है? कैम्बोडिया की राजधानी है। जरूर याद रखिए कैम्बोडिया, और आपको कोलंबिया में कन्फ्यूज नहीं होना है। कोलंबिया जो है दक्षिण अमेरिकी देश है और कैम्बोडिया जो है ये एशिया का देश है। आगे देख लेते हैं हम कोलंबिया को मैप में। यहाँ पर देखिए जो हमारा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, जो विश्व का चौथा बड़ा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर देखिए कोलंबिया की लोकेशन जूम्ड मैप में यहाँ देख लेते हैं। ये कोलंबिया, इसकी राजधानी यहाँ पर देखिए बोगोटा है। अगल बगल के देश देख लेते हैं, यहाँ पर वेनेजुएला है, ये ब्राजील, पेरू और यहाँ पे इक्वाडोर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी न्यूज में था अभी, आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में काफ़ी भयानक आग लगी थी, तो उसी चलते काफ़ी न्यूज में ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर है सिडनी, याद रखिए। दूसरे नंबर पर मेलबर्न। और ऑस्ट्रेलिया के अभी प्रधानमंत्री कौन है? तो उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। और कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया में ही 10,000 ऊँटों को मारा जा रहा है, याद रखिए। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए विश्व का मैप है। ये है ऑस्ट्रेलिया जो कि सातवां कॉन्टिनेंट है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ये। अगला प्रश्न देखते हैं हम, इनमें से कौन से राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगती है? तो पश्चिम बंगाल के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। पश्चिम बंगाल जहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और यहाँ के राज्यपाल है जगदीप धनखड़। यहाँ पर देखिए जगदीप धनखड़ की तस्वीर है। अब जो पूछा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के साथ कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती है, तो वह है छत्तीसगढ़। बाकी जो राज्य हैं असम, बिहार, सिक्किम, इन सबके साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। आगे हम देख लेंगे मैप में, यहाँ देखिए ये है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। इसकी देख लेते हैं कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा लगती है। ये यहाँ पे देखिए उड़ीसा है, ये झारखंड, यहाँ पे बिहार के साथ लगती है, यहाँ सिक्किम के साथ लगती है और यहाँ पे असम के साथ भी लगती है। तो यहाँ पे देखिए जो बंगाल है यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ देख सकते हैं, काफ़ी दूर है वेस्ट बंगाल से। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के द्वारा अरुंधति योजना शुरू की गई है? तो इस राज्य का नाम है असम। असम राज्य के द्वारा अरुंधति योजना शुरू की गई है और यहाँ पे एक तोला सोना दिया जाएगा लड़कियों को, जो कि गरीब बालिकाएं होंगी उनको दिया जाएगा, जिनका वार्षिक आय जो है 5 लाख रुपए से कम होगी। तो अरुंधति योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? असम के द्वारा। असम के मुख्यमंत्री भी हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ब्रू रिंग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ब्रू जो जनजाति है वो काफ़ी न्यूज में रहता है और इसे स्थानीय नाम रियंग नाम से भी जानते हैं, रिंग नाम याद रखिए। तो ये मिजोरम की जनजाति है और कुछ जो जनजाति जो त्रिपुरा में चले गए थे तो उनको त्रिपुरा में ही शिफ्ट किया जा रहा है ब्रू जनजाति को, तो इसका जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन करता है? तो एक्वेरिन के बात हो रही है यहाँ पे, तो ये जो भारत है मालदीव के साथ करता है, याद रखिए। मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। और एक्वेरियम का मतलब जो होता है हिंदी में, वो अगर बात के यहाँ पे मालदीवियन भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है एक्वेरियम, हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है दोस्त यानी फ्रेंड। और इस बार का जो इसका संस्करण था वो 10वां संस्करण था, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुआ। और इसकी शुरुआत कब से की गई थी इस अभ्यास की? तो की गई थी 2009 से। और यहाँ पे मैंने एक और बात आपको बताना भूल गया मिजोरम के बारे में। मिजोरम के भी जो मुख्यमंत्री उनका नाम है जोराम थांगा और यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है श्रीधरन पिल्लई। अगला प्रश्न देखते हैं, हालिया भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो उप प्रमुख की बात हो रही है, तो एस के सैनी जो है नए उप प्रमुख बन गए भारतीय थल सेना के।
भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरावणे, बिपिन रावत जो कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, और के नटराजन की बात हो रही है यहाँ पे। के नटराजन जो है भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक हैं। अभी अगला प्रश्न हम देखते हैं, एशले बार्टी किस खेल से संबंधित है? तो एशले बार्टी की बात हो रही है यहाँ पे, ये टेनिस की खिलाड़ी हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलती हैं। याद रखिए ये पहले क्रिकेट भी खेलती थी लेकिन अभी टेनिस खेलती हैं, और इन्होंने 2019 में फ्रेंच ओपन जीता था। याद रखिए 2019 का फ्रेंच ओपन किसने जीता है, महिलाओं में बात की जाए तो एकल में वो जीता है एशले बार्टी ने, और इन्होंने फाइनल में हराया था मार्केट वोंड्रुसोवा को जो कि चेक गणराज्य के लिए खेलती है। अगला प्रश्न, मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? तो मैग्नस कार्लसन जो है ये शतरंज खेलते हैं, चेस, और चेस के काफ़ी महान खिलाड़ी हैं ये, और चेस में नंबर वन पे हैं अभी, जरूर याद रखिए। और जो एशले बार्टी की हमने बात की वो भी टेनिस में नंबर वन पे हैं, और जो यहाँ पे मैग्नस कार्लसन है ये भी शतरंज में नंबर वन खिलाड़ी हैं। और मैग्नस कार्लसन बिलोंग कहाँ से करते हैं? तो ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, याद रखिए। और हाल ही में इन्होंने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का खिताब जीता है पुरुष वर्ग में, और महिलाओं वर्ग में पुरस्कार जीता था भारत की जो आंध्र प्रदेश की है होनेरू हम्पी। तो इन सबका आप याद रखिए। यहीं पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।